हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल ईआईपी एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू, इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले बीकॉम सेमेस्टर 6 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल सम, जिसमें से मैं आपको अभी यूनिवर्सिटी के सम सॉल्व करा रहा हूँ, बिकॉज अब आपके एग्जाम काफी नियर है। तो आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 2014 के प्रैक्टिकल सम को। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना, जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके और आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आ चुका है। तो आई होप ये सम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बने। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले सम को अच्छी तरीके से हमें रीड करना है, राइट। नंदन लिमिटेड, दैट मीन्स कंपनी का नाम है नंदन लिमिटेड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स और बुक वैल्यू यानी कि चौपड़ा कीमत, मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार कीमत एंड स्पेसिफिक कॉस्ट दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर 3 कॉलम और साथ में एक और कॉलम यानी कि 4 कॉलम बने हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है ऊपर नी माहिती ना आधारे नंदन लिमिटेड माटे चौपड़ा कीमत तथा बाजार कीमत ना भारना आधार। दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है और वहां से आपको ढूंढना है मूड़ी भारी सरेराश पड़तर। दैट मीन्स यहाँ पे वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सॉल्व करने को कहा गया। और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो आपको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम है। तो इस टाइप के सम को जब भी एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट रेडी करना है। आई होप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखा है। और यहां पे दो टाइप से सम सॉल्व करने को कहा गया है। सबसे पहले सम को सॉल्व करना है बुक वैल्यू से यानी कि चौपड़े कीमत के आधार पे, राइट। 2014 का सम है, किस तरीके से सॉल्व करना है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ इक्विटी शेयर कितने के, 50,000 के, जिसके सामने यहाँ पर चौपड़ा कीमत दी गई। दैट मीन्स यहाँ पर बुक वैल्यू दी, कितना रुपीज दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया गया है। तो आप इक्विटी शेयर के सामने राइट कीजिए 50,000, राइट। और पर शेयर की प्राइस कितनी है सर, 10 रुपीज है। तो 50,000 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख। काफी आसान सम है, आप एक ही बार में सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। सेकेंड वन देखते हैं, यहाँ पर डिवेंचर की वैल्यू दी, कितना दिया 3,000, पर शेयर कितना है 100 रुपीज। तो आपको क्या करना है 3,000 का 100 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे 3,000 राइट कीजिए इंटू 100 करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा डिवेंचर 3,000 × 100 कितना हो चुका है यहाँ पर 3 लाख हो चुका, राइट ना। नेक्स्ट वन चेकआउट करते हैं क्या दिया यहाँ पर, यस सर यहाँ पे दिया है प्रेफरेंस शेयर, कितना दिया है 2,000 × 50, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,000 × 50, कैलसी आपके पास है, कैलसी यूज कर सकते हैं, 2,000 × 50 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख। आई होप आप समझ गए। एंड लास्ट वन यहाँ पे अर्निंग दी गई, दैट मीन्स कमानी दी गई बट कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 लाख का 1 लाख राइट कीजिए आप, कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और अब हमें क्या करना है, सिंपली सभी का टोटल कर देना, टोटल कर दीजिए आप यहाँ पर 5 लाख + 3 लाख 8 लाख, 8 लाख + 1 लाख 9 लाख, एंड 9 लाख + 1 लाख कितना हो चुका है यहाँ पर 10 लाख। आई होप आप समझ गए, राइट ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफिक कॉस्ट यानी कि विशिष्ट पड़तर, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट का रेट दिया गया 16%, 8%, 10%, 14%। तो आपको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। तो आप राइट कीजिए यहाँ पर 16%, सेकेंड वन कितना था हमारे पास सर 8%, नेक्स्ट वन कितना था सर 10%, एंड लास्ट वन कितना था हमारे पास 14%। अब आपके पास कैलसी, कैलसी यूज कीजिए, 5 लाख का 16% करेंगे तो यहाँ पर वेटेड अमाउंट यानी कि भारित रकम आ जाएगी आपकी 80,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भारित, जिससे आपको पता चले, राइट वन। नेक्स्ट 3 लाख का आपको 80% करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 24,000, 1 लाख का 10% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10,000, एंड लास्ट वन 1 लाख का 14% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। आपके पास कैलसी, कैलसी यूज कीजिए, सभी को प्लस कर दीजिए 80,000 + 20,000 कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000 + 10,000 1,20,000, यहाँ पे 4 प्लस बच गया तो 1,24,000, यहाँ से 4 बचा था तो 1,28,000। इस तरीके से आप बिना कैलसी के भी टोटल कर सकते हैं, बट कैलसी है तो कैलसी यूज कीजिए ना। एंड लास्ट वन, अब आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला, ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है,
सरेराश भारित मूड़ी पर्त, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल, राइट। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, टोटल वेट अमाउंट अपॉन में टोटल बुक वैल्यू इनटू 100 इज कॉमन। तो ये हमारे पास कुल पर्त, दैट मीन्स हमारे पास कुल जो भार आ चुका है वो कितना आ चुका है, 1,28,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,28,000 अपन में क्या लिखा, चोपड़ा मूल्य यानी कि बुक वैल्यू। तो आपने यहां पर सॉल्व किया है, ये रही हमारी चोपड़ा की यानी कि बुक वैल्यू कितनी आ चुकी थी हमारे पास, 10 लाख। तो आप भी यहां पे राइट कीजिए 10 लाख, केलसी तो है ही आपके पास, इनटू 100 कर दीजिए, 1,28,000 डिवाइड में 10 लाख करेंगे और इनटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.8%। आई होप आप समझ गए किस टाइप के सम को हमें किस तरीके सॉल्व करना, बट पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज ऑफ अभी आपने सम को कौन सी मेथड से किया, बुक वैल्यू से। अब इसी सम को हमें मार्केट वैल्यू से भी करने को कहा गया, कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इसी तरीके से एक पैटर्न रेडी करना है जहां पे आपको पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू, जहां पे बुक वैल्यू किया था उसकी जगह पे आपको सिर्फ क्या कर देना है, मार्केट वैल्यू राइट करना और कुछ नया नहीं करना है। चेकआउट करते फिर से बताने वाला हूं आपको, अगर आपको भी मेथड वन समझ में नहीं आई बुक वैल्यू, अब आप ध्यान से मार्केट वैल्यू देखिए तो आपको मार्केट वैल्यू समझ में आएगी, उसी बेस पे आप बुक वैल्यू के सम को भी लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार हो, वीडियो आपके कितने हेल्पफुल हो रहे उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, और भी कोई वीडियो चाहते तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके भी एनी हेजिटेशन विथाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो देखते हैं आप इक्विटी शेयर 50,000 कितना दिया हमारे पास, मार्केट वैल्यू है 20 की है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले राइट कीजिए 50,000 के इक्विटी शेयर, राइट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर लिख के रखा हुआ है, कितने का भाव है सर 20 का है, 50,000 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख। आई होप आप समझ गए राइट वन। चलते नेक्स्ट डिवेंचर, डिवेंचर कितना है 3,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,000 × 80। आई होप आप समझ गए, 3,000 × 80 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए केलसी में, यस सर 2,40,000, वेरी परफेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वन, फिर हमारे पास क्या सर प्रेफरेंस शेयर कितने का है 2,000, मार्केट वैल्यू कितनी 45, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,000 × प्राइस कितनी इनकी 45, 2,000 × 45 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90,000। एंड लास्ट वन, कट कॉपी पेस्ट करना होगा बिकॉज ऑफ कुछ है नहीं, कितनी अर्निंग हमारे पास 1 लाख, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख। अब आपको कैलसी यूज करना है एंड सिंपली सभी का कर देना है, टोटल कैलसी यूज कीजिए 10 लाख + 2 लाख कितना हो जाएगा 12 लाख, 12 लाख + 90,000 12,90,000 एंड प्लस 1 लाख यानी कि कितना हो जाएगा अपने पास 13,90,000, उसमें प्लस कर दीजिए 40,000, आपके पास आंसर आ जाएगा 14,30,000 आपके पास कैलसी। आप कैलसी में यूज कीजिएगा, मैंने विथाउट कैलसी किया राइट। यहाँ पे आपको राइट करना है स्पेसिफिक कॉस्ट यानी कि विशिष्ट पड़तर, क्या सब में गिवन है, यस सर कट कॉपी पेस्ट तो कर दीजिए आप भी। यहाँ पर कितना था हमारे पास 16%, नेक्स्ट वन 8%, नेक्स्ट वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10% के थे प्रेफरेंस शेयर, एंड अर्निंग यानी कमानी कितनी थी हमारे पास 14%, कैलसी यूज कीजिए 10 लाख का 16% आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 1,60,000। नेक्स्ट वन हमारे पास कितना था 2,40,000 का 8% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19,200, लास्ट वन 90,000 का 10% 9,000 एंड लास्ट 1,14% 14,000। अब आपको क्या करना है सिंपली सभी का टोटल, टोटल करेंगे 2,02,200 आप कैलसी यूज कीजिएगा राइट। अब हमें करना है सिंपल फॉर्मूला यूज करना, लिख दीजिए आप यहां पर भारित सरेराश ने मूड़ी पड़तर यानी कि भारित एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला क्या, टोटल वेट को आपको टोटल मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है, इनटू 100 इज कॉमन, इनटू 100 दोनों में रहेगा। टोटल कितना आ चुका है आपके पास यहाँ पर, आपके पास टोटल वेट की अमाउंट कितनी है, भारित रकम कितनी आ चुकी है 2,02,200, तो आप राइट कीजिए 2,02,200 अपॉन में क्या लिखा है बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू आपने सॉल्व किया हुआ कितना आ चुका है 14,30,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 14,30,000 × 100 कैलसी यूज कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14.14%। आई होप आप समझ गए कि इस टाइप का सम भी आएगा तो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप और भी कोई वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शब्बी को थैंक यू वेरी मच।